यहाँ पर बात करेंगे यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा। देखो पाकिस्तान तो स्ट्रोंग लग रही है, लेकिन जो भी टीम क्वालिफायर करके T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ली है वो कमजोर कतई नहीं है मेरे भाई, गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप खुद ही देख लो, ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वहाँ पर देखो काफ़ी दिक्कतें आ रही है बड़े से बड़े बल्लेबाज, बड़े से बड़े टीम को। तो यूएसए को उतना भी हल्का नहीं लेना है, और ये अपने घर पे वर्ल्ड कप खेल रही है, दो जगह यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इनको सारा कुछ पता है, कुछ अच्छा कर सकता, हो सके तो कभी कुछ ऐसा उलट फेर हो के पाकिस्तान भी हार जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान स्ट्रोंग है तो थोड़ा सा उनके पक्ष में टीम बनाएंगे, लेकिन चीज़ों को भी समझना है। तो मेरे भाई, अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं या खेल रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा जीएल का टीम मिलेगा, पिच रिपोर्ट मिलेगा, यानी हर एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो का फर्स्ट कॉमेंट पर लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे, सौरभ सामाजिक 84 ब्लू कलर में रहेगा, क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल 56.6 के सब्सक्राइबर वाले पे आ जाओ, 56,000 से प्लस लोग जुड़े हैं, आप भी यहाँ पर जुड़ जाओ, हर मैच का आपको फ्री में अपडेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। अब देखो यहाँ पर देखा जाए, इस पिच की बात की जाती है, ब्रिज स्कोर 165 है, हाईएस्ट स्कोर 215 बना है 5 विकेट के नुकसान पे, और लो स्कोर 50 रनों के अंदर टीम ऑल आउट भी हुई है। अब यहाँ से देखोगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर का, तो 65% यहाँ पर पेसर्स और 35% यहाँ पर स्पिनर का बोलबाला रहा है। वेन्यू T20 की देखा जाए तो टोटल 13 मैच खेला गया, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 9 और बैटिंग सेकंड 4, यानी बैटिंग फर्स्ट वाली को थोड़ा ज़्यादा मदद है। अब यहाँ पर स्कोर देखा जाए मेरे भाई, 150 रन यहाँ पर 4 बार बना है, और 150 से 169 रन भी यहाँ पर 4 बार बना है, 170 से 190 रन 2 बार बना है, इनके अलावा 190 देखा जाए तो यहाँ पर 3 बार बना है। बाकी यहाँ पर मैच जो खेला गया नेपाल वर्सेस नीदरलैंड का खेला गया, जहाँ पर नेपाल 10 विकेट गवा देती है, पेसर्स को 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिलता है। कनाडा वर्सेस यूएसए का भी मुकाबला, यहाँ पर पेसर्स को 4 और स्पिनर को 2। भाई याद होगा यूएसए के ए जोन्स ने क्या गजब की बल्लेबाजी की, एससीओ वर्सेस MINY का खेला गया, तो ये सब डोमेस्टिक का ज़्यादा खास नहीं, वो दो मुकाबले ज़्यादा बढ़िया है, नेपाल वर्सेस नीदरलैंड, कनाडा वर्सेस यूएसए, दोनों के बीच अब तक मुकाबला एक भी खेला नहीं गया, तो आप नहीं कुछ कह सकते, रिसेंट फॉर्म जरूर देख सकते। यूएसए लास्ट के 5 में से 1 मैच हार कर आ रही है, और पाकिस्तान लास्ट के 5 में से 1 मैच जीत कर आ रही है। स्टीवन टेलर होना चाहिए, गेंदबाजी करेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव पटेल टीम का कैप्टन है भाई, कमाल का प्लेयर है, और घर पे खेल रहा है तो थोड़ा अच्छा करेगा। अरुण जोन्स भाई क्या करके आ रहा है सबने देखा, एक और गजब का है, विदेशों में जो T20 वगैरह होता है, T20 ब्लास्ट वगैरह, वहाँ पर भी ये चले जाते हैं काउंटी वगैरह खेलने। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड का बेहतरीन ऑलराउंडर, यूएसए से खेल रहा है, आपको भी पता। हरमीत सिंह ठीक ठाक स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है, अच्छा कर सकता है। नीतीश कुमार यहाँ से जीएल के लिए बढ़िया रहेगा। इस भान एस की बात की जाए, ये भाई कमाल का प्लेयर है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेता है, बहुत बढ़िया करता है, तो जीएल में एक टीम पे कैप्टन इनको ज़रूर ट्राई करना। जसदीप सिंह मीडियम फास्ट गेंदबाजी करता है, गेंदों को लाइन लेंथ के तहत रखता है, तो इस वजह से देखोगे मेरे भाई तो ये भी ठीक ठाक च्वाइस है। अली खान डेथ का बेस्ट पहले गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सौरभ नेटवालकर इंपॉर्टेंट है, अनुभव की कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये पावर प्ले में अच्छा कर पाते हैं, बाकी पावर प्ले में विकेट लेस गया तो विकेट लेस ही चला जाते हैं। वहीं बात करेंगे मेरे भाई स्टीवन टेलर का, तो यहाँ से देख सकते हो 0-0 विकेट है, 31+0 विकेट, 28+2 विकेट, 39+1 विकेट, 54+1 विकेट, अच्छा कर कर रहा। रिसेंट अब बांग्लादेश के भी खिलाफ खेला था। मोनक पटेल की बात की जाए, 16-42-12-2 इनका रिसेंट फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में इनका 35 का एवरेज रहता है, और सेकेंड इनिंग में 25 का एवरेज से रन बनाता है। एक गौस की बात के लास्ट 65 करके आ रहा है, और ए जोन्स भाई 94 करके आ रहा है, दोनों का रिकॉर्ड शानदार है, दोनों को अपने टीम पे ले सकते हो, लेकिन सामने पाकिस्तान है तो एक गौस के ऊपर चाहो तो रिस्क ले सकते हो। कोरी एंडरसन भाई 3+1 विकेट, इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं, सबसे बड़ा प्लेयर होने वाला है इस मुकाबले के लिए, यूएसए के लिए भी, और पाकिस्तान के प्लेयर को भी मिलाओगे तो कैप्टन भिसे का तगड़ा च्वाइस रहेगा। हरमीत सिंह यहाँ पर 1 विकेट, 0+0 विकेट, 33+0 विकेट, ऐसे करके आ रहा है।
नीतीश कुमार जीएल पर ट्राई करना रिसेंट फॉर्म 164-53 का है, बाकी फ्लो भी रहे। इस भाने इसकी बात की जाए जीरो विकेट लास्ट मैच में, लेकिन इनसे पहले देखोगे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, दो विकेट ले जाते हैं। जसदीप सिंह की बात करें रिसेंट फॉर्म 0-0, बाकी 1-1 विकेट हर बार ले गए थे। जीएल का बढ़िया होगा अली खान, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यूएसए पहले गेंदबाजी करेगा तो 100% टीम पे पिक करना चाहिए, जिस तरह इनसे गेंदबाजी कराया जाता है। सौरभ नटवालकर पावर प्ले में लगता है कि विकेट ले सकता है, तो फिर इनके साथ जा सकते हो, वरना रिस्क भी ले सकते हो। बेंच में से यहाँ से कोई भी प्लेयर खेलेगा, उनका रिकॉर्ड यहाँ से आप देख सकते हो मेरे भाई, आप अपने टीम पे उनके अनुसार पिक कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर डालेगा सौरभ नटवालकर, अली खान और हरमीत सिंह। डेथ बॉलर होगा यहाँ से सौरभ नटवालकर और अली खान जसदीप सिंह, लेकिन सौरभ नटवालकर को वहाँ से हटा दो, अली खान जसप्रीत जसदीप सिंह, कोरी एंडरसन वहाँ पर डाला था लास्ट में, तो कोरी एंडरसन हमें लगता है डालना चाहिए। सेम आयुब के साथ मोहम्मद रिजवान आएगा, बाबर आजम, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, नसीम शाह, साइन शाह अफरीदी, हरीश रौफ, मोहम्मद आमिर। भाई गेंदबाजी अटैक पाकिस्तान का बहुत बढ़िया है, बल्लेबाजी अटैक उतना मैं बेस्ट नहीं मानता हूँ। सेम आयुब रिसेंट फॉर्म 2-14-6-45-1 करके आ रहा है, वहीं मोहम्मद रिजवान का भी फॉर्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऐसे मैच में ये अच्छा कर सकता है, 23-0-56-75-1 करके आ रहा है। बाबर आजम इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 36-32-75-0-57 कैप्टन बीसी का भी अच्छा च्वास रहेगा। फखर जमान 9-45-78 छोड़ दिया, अच्छा फॉर्म में ये चल रहे हैं मेरे भाई, और इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने अच्छा इनिंग 45 का खेला था। फर्स्ट इनिंग में जब बल्लेबाजी करता है 22 के औसत से रन बनाता है, और सेकेंड इनिंग में ये 26 के औसत से बनाता है। आजम खान जीएल पे ट्राई करना, रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है, ज़्यादा मौका मिलता भी नहीं है। इफ्तिकार अहमद भाई जब इसकी टीम स्थिति खराब रहती है तो फिर ये इनका काम आता है, साथ में पार्ट टाइम गेंदबाजी, तो जीएल के बेहतर है। सदाब खान बहुत खराब फॉर्म से चल रहा है, लेकिन सामने की टीम को देखते हुए इनको पिक करना होगा। नसीम शाह पावर प्ले का बेस्ट गेंदबाज माना जाता है, जिस तरह से गेंदबाजी ये करते हैं कमाल का गेंदबाजी। इसके बाद इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का भी मुकाबला होगा, मजा आएगा। फर्स्ट इनिंग में 12 मैच में 19 विकेट और सेकेंड इनिंग में 10 मैच से 9 विकेट, यानी पहले गेंदबाजी में ये कारगर साबित होते हैं। साइन शाह अफरीदी इनके बारे में कुछ नहीं बोला जाए मेरे भाई, कमाल का गेंदबाज है, विकेट लेस ये जाए ऐसा हो नहीं सकता। साथ में हरीश रौफ, पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करे, साइन शाह अफरीदी, हरीश रौफ, इन दोनों को ऊपर चले जाओ बेहिचक, दोनों कैप्टन बीसी का तगड़ा च्वाइस हो जाएगा, सामने यूएसए सस्ते में निपट सकती है। मोहम्मद आमिर बहुत टाइम के बाद वापसी किया मेरे भाई, संन्यास लिए तो ये वो पाकिस्तान में चलता है, हालांकि रिसेंट फॉर्म खराब है, लेकिन यूएसए को देखते हुए इनको पिक करना चाहिए। साइन शाह अफरीदी एन शाह मोहम्मद आमिर स्टार्टिंग ओवर डालेगा, सांसा अफरीदी मोहम्मद आमिर हरीश रौफ ये डेथ में डालेगा। अब यहाँ से देखोगे कोई भी बेंच का प्लेयर खेलता है तो यहाँ आप अपने टीम पे ले सकते हो। अब्बास अफरीदी का रिकॉर्ड बढ़िया, इमाद वसीम, कोई भी खेलेगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर गेंदबाज। की प्लेयर कोरी एंडरसन, स्टीवन टेलर, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सांसा अफरीदी, हरीश रौफ। सेम आयुब नहीं होना चाहिए, इनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, और यूएसए का गेंदबाज उतना भी खराब नहीं किए, ज़्यादा अच्छा कर जाए। कैप्टन बीसी साइंस अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हरीश रौफ भी होना चाहिए, और कोरी एंडरसन भी होना चाहिए। ट्रंप प्लेयर एम पटेल, इमाद वसीम, सौरभ नटवालकर खेलता है तो फिर इमाद वसीम इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए देखो रिजवान और साइंस अफरीदी के ऊपर मैं गया हूँ, लेकिन हो सकता है मैं इस पर और भी छेड़खानी करूँ, वो लाइनअप आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा ज़्यादा प्लेयर लूँगा, 8 या 9 प्लेयर तो पाकिस्तान का श्योर रहेगा। कैप्टन बीसी हरीश रौफ, साइन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, कोरी एंडरसन, ये चार में से किसी एक के साथ जाऊंगा। बाबर आजम बिल्कुल सही ऑप्शन है, जा सकते हो, लेकिन हमारा ये चार बेस्ट है। पहले गेंदबाजी पाकिस्तान करे साइन शाह अफरीदी हरीश रौफ हो सकता है, और पहले गेंदबाजी यूएसए करे तो मेरे भाई कोरी एंडरसन और रिजवान हो सकता है। ये चीज़ लाइनअप के बाद अपडेट करूंगा, फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं मेरे भाई। आशा करता हूं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग